गए हैं और आप लोग की तैयारी भी मुझे लगता है कि उसके अनुसार अच्छी चल रही होगी। क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए मेरा जो पर्पस है वो ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपने स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक को कंप्लीट करें। इसके लिए ये वीडियो लेक्चर्स तो आपके पास पहुंच ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपके स्क्रीन पे जो बुक दो दिख रही है, इस बुक का भी मैं चाहता हूं कि आप प्लीज मल्टीपल रिविजन करें, क्योंकि इस बुक में जो क्वालिटीज है, इस बुक की जो इम्पोर्टेंस है, वो आप में से कई विद्यार्थी जानते हैं और बहुत अच्छे से इससे परिचित हैं। ये वीडियो कोर्स भी आपके लिए एक बहुत एक्सप्लेनेटरी वीडियो कोर्स है। बेसिकली ये वीडियो कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक डिटेल वीडियो कोर्स है। आपके सामने जो स्क्रीन पे दो किताबें दिख रही हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, उसी बुक का ये डिटेल वीडियो कोर्स है और ये वीडियो कोर्स आपके लिए जो आपके आने वाले एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ये वीडियो कोर्स अगर आप में से किसी को फुल परचेस करना है तो आप हमारे वेबसाइट से इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो कोर्स को आप हमारे एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से भी परचेस कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी ने एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड किया हुआ है पिनाकल का, उससे आपको बहुत सारी और भी जानकारी और बेनिफिट मिलेंगे। ये बुक भी आप सभी के पास होनी चाहिए और मुझे आशा है और मैं जानता भी हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ये किताबें हैं। अगर आपके पास ये किताबें नहीं है तो प्लीज़ इसको परचेस कर लीजिए, अपने बुक स्टोर पर ये किताबें आसानी से आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती है तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आप हमारे वेबसाइट पर जाके हमेशा इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हमारा डिटेल बुक भी एक आ रहा है जिसको आप ले सकते हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। अभी जो हमारा पर्पस है वो ये है कि जनरल स्टडीज की जो इम्पोर्टेंस एसएससी के एग्जाम में बढ़ी है, उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम जो सामान्य अध्ययन की जो समझ है उसको विकसित करें और सामान्य अध्ययन पे एक ऐसी पकड़ बनाए कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी पर्पस को देखते हुए, इसी एक होप को देखते हुए हम लोग इस वीडियो कोर्स को कर रहे हैं। और आपको पता है इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खुशी वाली जो न्यूज़ है वो ये है कि एसएससी की जो वैकेंसी है दैट इज मोर देन 37,000। 37,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप में से अगर कोई विद्यार्थी जो थोड़ा सा भी अगर अच्छे से पढ़ाई अभी तक नहीं कर पाया है, उसका भी एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत है, आपकी एक सटीक रणनीति, कुछ सटीक किताब और कुछ अच्छे टीचर्स। ये चुनाव आपका है। अगर ये सही चुनाव आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत कम दिनें भी काफ़ी हैं, उन कम दिनों में भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के आज फिर हम लोग 50 कंप्यूटर के एमसीक्यूज देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है, ये बुक का मल्टीपल रिविजन आपको करना है। अगर मल्टीपल रिविजन आप नहीं करोगे तो आप चीज़ें भूलने के बहुत मतलब आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि एसएससी का जीएस का जो क्वेश्चन होता है कभी कभी इस तरह के होते हैं कि अगर मल्टीपल रिविजन नहीं किया गया है, अगर आपने बार बार उसको नहीं दोहराया है तो आप उसको भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज आप सब इस बुक का रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं तो प्लीज बुक ले लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार बुक दिखा दूं, दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द बुक। इतनी मोटी है, ज्यादा मोटी भी नहीं है। इसको आप चाहोगे तो 5-6 दिन के अंदर अच्छे से रिविजन कर सकते हो, 2-3 रिविजन। बहुत ईजी बुक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये देखिए ये हिंदी में भी आती है, सेम क्वालिटी सेम कंटेंट के साथ, ठीक है। क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तो आप इसको बेझिझक किसी प्रॉब्लम के साथ ले सकते हैं क्योंकि क्वालिटी वाइज आपको सेम दोनों बुक मिलेगी। और उसके साथ साथ ये वीडियो कोर्स आपके लिए तो है ही। तो आइए बिना किसी देरी के आज के फिर से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि कंप्यूटर्स में होंगे। तो आइए देखते हैं आपका आज का पहला सवाल। तो आपका आज का पहला सवाल है जीआईएमपी इज एन। देखिए जीआईएमपी एक टर्म है, कंप्यूटर टर्म है, आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। बताइए जीआईएमपी क्या है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक यूटिलिटी प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये क्या है। यस, सही जवाब क्या है इसका, जीआईएमपी इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जीआईएमपी, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट बार कोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। बार कोड आप लोग जानते हैं, बार कोड का इस्तेमाल अमूमन नॉर्मल हम लाइफ में बार कोड को देखते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन मकार्थी, जॉन बॉर्गर या डेविड ब्रेडली। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। यस, इसका जो सही उत्तर है वो है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, ठीक है। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड जो ही वाज द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय हिम वाले, ठीक है। किनके द्वारा,
फर्स्ट बारकोड सिस्टम जॉर्मन नॉर्मन वुडलैंड, ये याद रहेगा जॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको याद रखिएगा। अच्छा मैं आपको एक नाम से यहाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, ये जो नाम है जॉन मैकेथी। ठीक, जॉन मैकेथी ने एक टर्म क्वाइन किया था, क्वाइन मतलब समझते हैं आपको, टर्म का इजाद करना, जिसने उस टर्म का पहली बार नाम लिया, वो टर्म आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये टर्म जो किए थे वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है वो किस कौन क्वाइन किया था, जॉन मैकेथी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ स्पेस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किसी एक टर्म है जो चार टर्म आपके नीचे दी गई है उसके बारे में बात की जा रही है कि स्पेस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन। ठीक है, एक इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन वहां पे आएगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब खोज इंजनों के लिए वेबसाइट का पता लगाने और अनुक्रमित करने की यात्रा करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अ बग, अ स्पाइडर, अ पाइथन और अ पेंगुइन। वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रेवल करता है और वेब को लोकेट करता है, जो आप सर्च इंजन करते हो सर्च करते हो उसको लोकेट करता है और इंडेक्सिंग आपके सर्च इंजन में आपको बताता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं स्पाइडर, दैट इज कॉल्ड स्पाइडर, आपको बिल्कुल ये याद रखना है, दैट इज कॉल्ड स्पाइडर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर एक बार एसएससी में कुछ क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो कॉमन क्वेश्चन हैं उसको तो पढ़ के हमें बिल्कुल जाना चाहिए, सो दैट कि हमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो और जो सिंपल क्वेश्चन हैं उसको हम लोग गलत ना करें। ठीक है, जो कैची क्वेश्चन हैं जिसके मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वैसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, निम्नलिखित में से कौन ASCII का पूर्ण रूप है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और एनालिटिकल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन। बताइए, चार ऑप्शन हैं, काफी मिलते जुलते ऑप्शन हैं, आई होप कि आपको पता है इसका आंसर। यस, क्या होगा इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड स्पेस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच व्हेन फॉलोड एकम्प्लिश अ पार्टिकुलर टास्क। एक इन चारों में से क्या होगा, एरे, एल्गोरिथम, डेटा या नोड। निर्देशों का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पे एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बताइए, एरे, एल्गोरिथम, डेटा या नोड। वो कौन सा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको पूरा करने पे जो टास्क है वो पूर्ण हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? यस यस, द राइट आंसर इज एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम को पूरा करने पे जो कोई टास्क होता है, एक विशेष कार्य होता है, वो पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, इन चारों में से एक क्या वो ऑप्शन है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट एंड प्रोपोगेट ओवर द नेटवर्क विथ और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड हैज अ मैलिशियस इंटेंट। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, एक स्पेस वो कौन सा टर्म यहाँ पे होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्व प्रकृतिक और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। बेसिकली एक मलेशियस चीज की बात हो रही है, आपको इस चारों में से बताना है वो क्या होगा ऑप्शन। और यहाँ पे आपने देखा है वो क्या लिखा हुआ है कि मानव हस्तक्षेप, ठीक है, आपके इंटरवेंशन के बजाय भी ये अपना काम करता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? यस, राइट आंसर इज वॉर्म। ठीक है, वॉर्म इज द राइट आंसर। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, एक वॉर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये भी आपको याद रखना है, जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्व प्रकृतिक मतलब अपने रूप आपसे प्रसार करता है और नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अ यूजर इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, अ यूजर इंटरफेस आप लोग समझते हैं, इज अ पार्ट ऑफ स्पेस दैट अलाउज द यूजर टू इंटर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक यूजर इंटरफेस है जो किस चीज का हिस्सा है, जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने में अनुमति देता है। ठीक है, आप बताइए आपके चारों ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। यस, क्या होगा यहां पे, क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? यूजर इंटरफेस जो होता है वो किस चीज का पार्ट होता है आपको बताना है। यस, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूजर इंटरफेस बेसिकली जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, अ यूजर इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज द यूजर टू इंटर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इजी है, याद रखेंगे, यूजर कोई भी यूजर इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, वो है मैनेज करना। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लिख रहा है आपको, ये देखिए मैनेज करना, क्या मैनेज करता है, ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और इसके बाद क्या होता है, टू प्रोवाइड कॉमन सर्विस टू द प्रोग्राम। ठीक है, मैनेज करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को और जो प्रोग्राम है उसको एक सर्विस प्रोवाइड कराता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का परिभाषा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, आप जानते हैं कंप्यूटर में हमने पढ़ा है कि इनपुट डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइस होता है, हमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के बारे में बताया जाता है। आपके सामने एक प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है, इनमें से चारों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, बताइए। स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर, इन चारों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस की मैंने और बाकी आपकी परिभाषा मैं बहुत सारे ऑप्शन बताता हूँ। तो ये जो इनपुट डिवाइस है, और हम देखते हैं कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड के साथ साथ, अच्छा माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके अलावा कैमरा इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, जोयस्टिक आप लोग जानते हैं, जोयस्टिक इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है ये सब इनपुट डिवाइस है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन कॉमन है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो SSC अमूमन आपसे पूछ ही लेती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज LAN इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक ए हब और स्विच इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रित कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए उसे हम क्या कहते हैं, ये जो हब है, ये हब ये है, स्विच है, इससे जुड़े होते हैं, इट वर्क्स लाइक से स्टार। ठीक है, स्टार ही तो है ये जो सबको जोड़ के रखा है, स्टार ही तो सबको जोड़ के रखता है। यस, क्या होगा आंसर इसका, बिल्कुल सही, स्टार टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टार ही है जो सबको जोड़ के रखता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, याद रखिएगा कि स्टार सबको जोड़ के रखता है, तो इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अ स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है, इन चारों में से कौन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित चारों में से कौन कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बूटिंग, सेविंग, लोडिंग या एग्जीक्यूशन। यस, द राइट आंसर विल बी बूटिंग। ठीक है,
बूटिंग इज द राइट आंसर। बूट करते हैं लोग सिस्टम को, आपको याद होगा आप अपने कंप्यूटर में भी कितनी बार ने बूट किया होगा, जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो हम बूट करते हैं कंप्यूटर को, तो आपको याद रहेगा बूटिंग इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल अ की ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज यूज टू मूव द पॉइंटर दैट इज कर्सर, जो कर्सर दिखते हैं आप स्क्रीन पे अराउंड ऑन द स्क्रीन। आप कंप्यूटर की कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पे पॉइंटर यानी कि कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, उसको मूव करने के लिए किया जाता है। आप समझ रहे हैं प्रश्न को, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, नेविगेशन की, न्यूमरिक की, फंक्शन की या कंट्रोल की। नेविगेशन, संख्यात्मक, फंक्शनल या नियंत्रण कुंजी, ई को हिंदी में कुंजी कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। कंप्यूटर के प्रश्न अमूमन बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर में तकरीबन अगर आप 150-200 प्रश्न करके जाओगे तो उसमें से ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तकरीबन 150-200 क्वेश्चन मैं ही आपको यहाँ करा दूंगा, तो अगर आप इसको भी करके जाओगे तो आपके जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो कोर्स अगर कोई देख के जाएगा तो उसके जनरल स्टडीज में जो मार्क्स हैं वो जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूव होंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा नेविगेशन की। ठीक है, नेविगेशन की, नेविगेट करता है वो स्क्रीन पे। ठीक है, इसे इसको नेविगेशन की कहते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल द प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन है, विंडोज प्लस सी, विंडोज प्लस एम, विंडोज प्लस एफ या विंडोज प्लस डी। बताइए वो कौन सा आप कीबोर्ड दबाएंगे शॉर्टकट जिससे सारे जो प्रोग्राम है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपको डेस्कटॉप दिखने लगेगा। यस, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंडोज प्लस डी। विंडोज प्लस डी जब हम प्रेस करते हैं तो सारे जो हमारे रनिंग प्रोग्राम होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और हमारा डेस्कटॉप हमें दिखने लगता है। अगले प्रश्न को लेते हैं, कोरल ड्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ एन। ठीक है, कोरल ड्रॉ एक चीज है, आपको बताना है बेसिकली ये क्या है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, क्या चीज का उदाहरण है कोरल ड्रॉ। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। कोरल ड्रॉ क्या है, इट इज एन डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रॉ जो है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। ठीक है, EBCDIC एक कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है, आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। EBCDIC, बताइए। यस, इसका राइट आंसर होगा ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पाठनीय रूप में स्वीकार करता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, माइक्रोफोन, प्रिंटर, ग्राफिक्स टैबलेट या माउस। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पाठनीय रूप में स्वीकार करता है, माइक्रोफोन, प्रिंटर, ग्राफिक टैबलेट या माउस। बताइए क्या होगा राइट आंसर। यस, मशीन पाठनीय रूप। ठीक है, कंप्यूटर जब मशीन रीडेबल फॉर्म में वो करता है, यस, ये सिंपल, वो काम प्रिंटर का है, वो प्रिंटर करता है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है,
थोड़ा सा भी अगर माइंड आप अप्लाई करोगे नेशनल हॉल के अंदर भी, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो आप इजिली आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगले जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, प्लीज़ अपने माइंड को बहुत कूल और काम डाउन रखना है, एकदम तनाव नहीं लेना है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको इस कदर अपने अंदर रख के जाना एग्जाम हॉल में कि आपको रिकॉल होने में परेशानी ना हो। अगर आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे और आप कितना भी पढ़ लो तो उसका क्या फायदा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी आपके जो कंपटीटर हैं वो अगर 2-4 बार रिवीजन कर रहे हैं तो आप 6-8 बार रिवीजन करके जाओ, आप देखोगे कि आपके जो मार्क्स हैं उनसे ज़्यादा आएंगे और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाइल फॉर्मेट्स यूज फॉर वेब ग्राफिक्स। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, GIF, .exe, .txt या .docx। बताइए क्या होगा राइट आंसर। यस, फाइल फॉर्मेट्स यूज फॉर वेब ग्राफिक्स। तो वेब ग्राफिक्स के लिए आप जानते हैं GIF का फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है, ये बिल्कुल ये वेब ग्राफिक्स में यूज होता है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको बताना है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन है, विंडोज 7, एमएस डॉस, विंडोज NT या लिनक्स। बताइए क्या होगा राइट आंसर। विंडोज 7, एमएस डॉस, विंडोज NT या लिनक्स। यस, कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, आपने एक आध बार रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, याद है आप लोगों को डायलॉग ये। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एमएस डॉस। मैं सही कह रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है, है ना, और आपको एग्जाम में जाके इसको अच्छे से करना है। कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप मेरी बात मानो, अगर आप 200 क्वेश्चन भी MCQ करके जाओगे तो आप देखोगे कि अगर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 3 क्वेश्चन का आंसर तो आपको इजिली याद रहेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ाई करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स की, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। अगर आप अपने एग्जाम को लेकर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, ये मैं निश्चित तौर पर आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। हाउ मेनी टेराबाइट्स आर इन पेटाबाइट। आपको बताना है कि एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट्स होते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग आगे करते जाते हैं तो 1024 को, ठीक है, 1024 को कर देते हैं, या KB हो तो KB से 1 GB होता है, 1024 GB से 1 TB होता है। ठीक है, वैसे ही उतना TB से 1 PB होता है, लेकिन सब में कॉमन क्या होता है, 1024। ठीक है, याद रखना है, तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। Which type of storage device is a hard disk? Hard disk एक storage device है, आपको बताना है ये किस तरह का है। ठीक है, secondary, tertiary, offline या primary? बताइए। secondary, tertiary, offline या primary? Hard disk को आप जानते हैं, इसमें data store करने के लिए hard disk का इस्तेमाल होता है, आपको बताना है ये किस तरह का device है, primary, secondary, tertiary या offline? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी स्टोर है। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सेकेंडरी कैसे है, कंप्यूटर के अंदर ही तो हार्ड डिस्क होता है, उसी में तो मेमोरी सेव होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, जब भी हम प्रोसेस होते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो कहीं और सेव होकर फिर हार्ड ड्राइव में जाता है। ठीक है, तो मैं आपको प्राइमरी डिवाइसेज जो होते हैं उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी डिवाइस है, तो प्राइमरी कौन कौन से हैं, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो प्राइम में एक आपका हो गया रैपिड एक्शन मेमोरी, जो रैम आप कहते हैं, रैपिड एक्सेस मेमोरी जो होता है वो रैम हो गया। रैम के अलावा ग्राफिक कार्ड जो होता है दोस्तों, ग्राफिक कार्ड जो होता है वो भी एक तरह का प्राइमरी डिवाइस है। ग्राफिक कार्ड के अलावा और क्या हो सकता है, कैसे, ठीक है, कैसे जो मेमोरी होता है वो भी एक तरह से प्राइमरी मेमोरी की तरफ पे यूज होता है और काम करता है। ठीक है, तो जनरली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आप समझ गए हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो हार्ड ड्राइव वगैरह है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी जो है उसमें सेकेंडरी मेमोरी ही है वो। ठीक है, तो याद ध्यान, प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शनल की F7 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। F7 की आप जानते हैं बहुत आसान है, F7 की आप सभी अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो F7 की का इस्तेमाल किए होंगे। आपको बताना है कि जो F7 की है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसका क्या इस्तेमाल है 2010 वर्जन, बताइए। यूज टू रन द हेल्प विंडो, स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक, रिमेनिंग फाइल्स एंड फोल्डर, और यूज एज ए सर्च की। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए F7 का जो इस्तेमाल होता है ना वो बता दूं, ये बेसिकली स्पेल चेक और ग्रामर चेक के लिए होता है, ठीक है, स्पेल चेक और ग्रामर चेक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट डज MS पेंट यूज टू ओपन एंड सेव फाइल्स इन विंडो। समझ गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंडोज में फाइल को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है, बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। .doc.xis.jpeg या .ppt, यस, क्या होगा राइट आंसर, किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है MS पेंट द्वारा, जिससे वो ओपन और सेव फाइल्स को करता है विंडोज के, ठीक है, बताइए। Yes, the right answer is .jpeg. ठीक, .jpeg is the right answer. याद रहेगा आपको। Next question. Which of the following is a computer application software? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक computer application software है, आपको बताना है। आप जानते हैं computer application softwares होते हैं, आपको बताना है इन चारों में से वो एक कौन सा software है। Word processor, RAM, Visual Basics या Java? बताइए। यस, तो राइट आंसर इज वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर विच अलाउज अलाउज अ पर्सन टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वर्ड सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट, एडिट और प्रिंट को अलाउ करता है किसी भी को जो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा वर्ड प्रोसेसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस सवाल को भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए अब बहुत कैची क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमें नहीं भूलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कीवर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 शुड यू यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F11, बताइए किस की सॉफ्ट की का यूज होगा, जो शॉर्ट की है। ठीक है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट को ऐड करता है। यस, क्या होगा राइट आंसर, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, ये जो F11 है ये इस्तेमाल होता है, इससे क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जो है वो एक नया वर्कशीट ऐड हो जाता है विंडो 10 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, याद रखेंगे शिफ्ट प्लस F11। अगले सवाल में लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था, क्या होगा राइट आंसर, सी लैंग्वेज की बात हो रही है ये ध्यान देना है। यस, राइट आंसर इज यूनिक्स, यूनिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है, इट इज द यूनिक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन अ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आपको बताना है पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन होता है। ठीक है, बताइए, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, पेन ड्राइव या रैंडम एक्सेस मेमोरी।
क्या होगा राइट आंसर? यस, क्या बताना है आपको? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बताना, ठीक है? आपके पर्सनल कंप्यूटर में होता है, आपको बताना है कि उसको क्या कहते हैं, बताइए। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस जानते हैं, इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इन चारों में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है, पेंगुइन, पैंडा, स्पाइडर और क्रीपर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न चारों में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको बताना है सही उत्तर। यस यस, वेरी गुड, राइट आंसर इज क्रीपर, ठीक है? क्रीपर जो है एक तरह का कंप्यूटर वायरस है, ठीक है? कंप्यूटर वायरस याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो अमूमन 1955 से 1964 तक बनते थे, वे आर मेड ऑफ, ठीक है, वो किस चीज के बनते थे? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सर्किट चिप्स। आप जानते हैं कंप्यूटर में जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। आपको बताना है कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो किस चीज के बनते थे, ठीक है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर या स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे दोस्तों, वो जो ट्रांजिस्टर के बनते थे, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, वेर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर सेकंड जनरेशन का बनता है तो फर्स्ट जनरेशन किसका बनता होगा, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन किसका बनता होगा, ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जनरेशन जो होता था वो बनते थे वैक्यूम ट्यूब्स के, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया। सेकंड जनरेशन हमने देखा, अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक? तो थर्ड जनरेशन जो था वो बनता था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बनते थे। उसके बाद हम फोर्थ जनरेशन भी देखते हैं, फोर्थ जनरेशन बनता था माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है? फिफ्थ जनरेशन आप जानते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर भी अब अवेलेबल है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी में आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका प्लीज आप नोट डाउन भी कर लें इस चीज को, क्योंकि ये जनरेशन वाले क्वेश्चंस अमूमन हमने देखा है कि हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे, एक से पांचों जनरेशन बहुत ईजी है, आपको याद रहेगा, ठीक है? इसको भूलना नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ मैसेज दैट ट्राइज टू ट्रिक अ पर्सन इनटू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सच एज हिज सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन और लॉग इन यूजर नेम्स एंड पासवर्ड फॉर ए वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर कॉल्ड, ठीक है? आप समझ गए? एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक सुरक्षा जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है, ठीक है? एक संदेश जैसे वेबसाइट के लिए नंबर, बैंक खाते की जानकारी या लॉग इन उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से। आप जानते हैं ये क्या, बेसिकली आप समझते हैं ना, कोई आपको मैसेज आता है जिसमें आपका लॉग इन पासवर्ड ओटीपी वगैरह पूछा जाता है, वही पूछा जा रहा है कि उस मालवेयर को क्या कहते हैं, ठीक है? ठीक है, आपको बताना है कि उस मालवेयर जो आपको ऑप्शंस वो सब आते हैं कभी कभी मैसेज वगैरह, उसको क्या कहते हैं, वॉर्म्स, जॉम्बी, माइक्रोप्रोसेसर या फिशिंग। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा। एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक सुरक्षा जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है, ठीक है? मतलब आपको बरगला के आपकी जो जानकारी है वो निकलवाता है आपसे, आपको कंफ्यूज करके, जैसे वेबसाइट के लिए नंबर, बैंक खाते की जानकारी या लॉग इन उपयोगकर्ता नाम, ठीक है, आपका जो लॉग इन और पासवर्ड होता है वो, या लॉग इन या पासवर्ड दोनों कोई भी, या ये हाँ, ये जो प्रोसेस है इसको पूछा जा रहा है कि कौन से कैटेगरी में आता है आपको, ठीक है? ये एक मालवेयर है, आपको बताना है किस कैटेगरी में आता है। आप जब कंप्यूटर यूज करते होगे तो आप लोगों से कई लोगों को ऐसी परेशानी होती होगी, बेसिकली इसको कहते हैं फिशिंग, ठीक है? इसी को फिशिंग कहते हैं, इसी का परिभाषा जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आप में से कई लोगों ने इसको फेस भी किया होगा, ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल बहुत हाइप पे है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगले प्रश्न को लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग। आपको बताना है कि जलवायु अनुसंधान और मौसम मौसम पूर्वानुमान में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं मौसम या क्लाइमेट रिसर्च में बहुत हाई पावर की कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कंप्यूटर उसमें इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया कि बहुत हाई पावर के कंप्यूटर्स यूज होते हैं क्लाइमेट वाले चीज में, ठीक है, क्लाइमेट रिसर्च में और वेदर फोरकास्टिंग में। बहुत कॉम्प्लेक्स काम है ये क्लाइमेट फोरकास्टिंग का, वेदर फोरकास्टिंग का, तो इसमें आपको बहुत अच्छे लेवल के कंप्यूटर चाहिए, इसलिए इसमें इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जानते हैं बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, इसलिए सुपर कंप्यूटर इसमें इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, तो क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं इंडिया का, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या था नाम उसका, उसका नाम था परम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम 8000, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। और ये कब डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था 1991 में डेवलप हुआ था, और इसको डेवलप करने वाले का नाम क्या था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम था विजय पी भटकर। विजय पी भटकर ने परम 8000 डेवलप किया था 1991 में, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज विल यू प्रेस इन विंडोज 10 टू टर्न द वॉल्यूम अप। विंडोज 10 में अगर वॉल्यूम को बढ़ाना हो तो इसमें से कौन सा की यूज करते हैं, आपको बताना है F4, 5, 6 या 8, बताइए F4, F5, F6 या F8। यस, द राइट आंसर इज F8। इससे क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम अप होता है, और वॉल्यूम डाउन के लिए अगर डाउन करना है तो उसके लिए F9, F9 से वॉल्यूम डाउन होता है। अगला प्रश्न, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज आर एग्जांपल ऑफ। कंप्यूटर कीबोर्ड पे जो शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियां होती हैं वो किसके उदाहरण है, आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूमरिक कीज, मॉडिफायर कीज, फंक्शन की या कर्सर मूवमेंट की, बताइए क्या होगा राइट आंसर, न्यूमेरिक कीज, मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज या कर्सर मूवमेंट कीज। कंप्यूटर में आप लोगों ने बहुत बार शिफ्ट और ऑल्ट की का इस्तेमाल किया होगा, आपको बताना है कि ये किस प्रकार के की का उदाहरण है, ठीक है, न्यूमेरिक की, मॉडिफायर की, फंक्शन की या कर्सर मूवमेंट की। यस, इट इज अ मॉडिफायर की, ठीक है, ये एक मॉडिफायर की है, संशोधक कुंजी है अगर हिंदी भाषा में बात करें तो, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, मॉडिफायर की याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन आप सभी में इस्तेमाल करते हैं और उसी के माध्यम से आप ये वीडियो लेक्चर देख भी रहे हैं, लेकिन बहुत बारी हमें बहुत स्लो इंटरनेट कनेक्शन का सामना करना पड़ता है और बहुत बारी हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड है वो पर्याप्त से भी ज़्यादा है। आज से पहले जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट, जब इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ तो हमें बहुत स्लो स्पीड मिलता था, अभी लेकिन जाके हमें बहुत हाई स्पीड मिलता है और अब तो इंडिया में 5G भी लॉन्च हो गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे जो है वो स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कौन सा है, आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन से, बताइए क्या होगा राइट आंसर। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। देखिए सबसे स्लो जो होता है इंटरनेट कनेक्शन वो होता है डायलॉग का, ठीक है, डायलॉग जो है वो सबसे स्लो है। अगर हम स्पीड की बात करें और अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा जिस इंटरनेट का स्पीड होता है, जिस प्रकार के इंटरनेट का, उसको कहते हैं फाइबर। फाइबर वाले इंटरनेट आपने सुना हो, वो आ चुका है, ठीक है, फाइबर वाले जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और सबसे तेज होती है। इसके नीचे क्या आता है, वो आता है केबल वाला, ठीक है, केबल वाला हो उसके नीचे आएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। केबल के बाद आता है सैटेलाइट,
सेटेलाइट, सेटेलाइट के बाद आता है डीएसएल, डीएसएल जिसको कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो कि डीएसएल है। डीएसएल के बाद आता है वायरलेस, वायरलेस, और उसके नीचे आता है डायल अप, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे आंसर बताया ये सबसे कम स्पीड है। तो ये देखिए ये घटते हुए क्रम में मैंने बताया सबसे ज्यादा इसका और सबसे कम डायल अप का, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस इज अ थ्री और फोर लेटर एब्रीविएशन दैट सिग्निफाइज द फाइल टाइप, ठीक है, कौन सा एक तीन या चार अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है, ठीक है, फाइल प्रकार को। आपके सामने चार ऑप्शन है, विस्तार, खोज, वायरस या नाम, ठीक है, एक्सटेंशन, सर्च, वायरस या नेम, बताइए क्या होगा ऑप्शन, दैट सिग्निफाइज द फाइल टाइप, ठीक है। यस द राइट आंसर इज एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू ए वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर को वायर नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, कंप्यूटर को वायर नेटवर्क से जोड़ने के लिए, ठीक है, आपको कौन सा पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और पैरेलल पोर्ट या सुपर वीडियो पोर्ट, ठीक है, आपको बताना है, ये आसान क्वेश्चन है, ये हमेशा अमूमन जब भी आप नेट का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको सुनने को मिलता होगा, इट इज कॉल्ड इथरनेट पोर्ट, ठीक है, इथरनेट पोर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, जो पोर्ट ये आप देखते हैं ये लगता है आपका कंप्यूटर में इतना थोड़ा चौड़ा होता है, इसको कहते हैं इथरनेट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन अ कंप्यूटर वुड यू यूज जॉयस्टिक फॉर कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, जॉयस्टिक आप जानते हैं, जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, मेल मर्ज करने में, कर्सर कंट्रोल, इंक्रीज मेमोरी या स्टोरेज स्पेस, हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है आज की वीडियो में, आपको बताना है इसका क्या होगा राइट आंसर, जॉयस्टिक, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, यस कर्सर कंट्रोल, मैंने आपको बताया है कर्सर कंट्रोल में इसका यूज होता है जॉयस्टिक का, इट इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, ठीक है, कंप्यूटर में जानते हैं आप सीपीयू होता है, इन चारों में से सीपीयू का कौन सा पार्ट है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, माउस, स्कैनर, मेमोरी रजिस्टर या जॉयस्टिक, माउस तो बिल्कुल नहीं है, स्कैनर भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ये भी नहीं, जॉयस्टिक भी नहीं है, यस द राइट आंसर इज मेमोरी रजिस्टर, ठीक है, ये क्या होता है, ये सीपीयू का हिस्सा है, ठीक है, इट इज एन पार्ट ऑफ CPU, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ CPU, मेमोरी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके सामने चार ऑप्शन है, विंडोज 10, विंडो विस्टा, एंड्रॉयड या iOS, आपको बताना है क्या होगा सही उत्तर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यस राइट आंसर शैल बी एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू वेरीफाई द लेजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट्स स्पेशली चेक्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर, चार ऑप्शन को देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, यस यस क्या होगा राइट आंसर इसका, इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
ठीक है, दिस इज द राइट आंसर एंड इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू वेरीफाई द लेजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी ऑफ द पेपर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, तुरंत हमने डिस्कस किया है, फटाफट बताइए क्या है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। यस बिल्कुल, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया अभी, ये इट इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, हमने डिस्कस किया इसको, ये नहीं भूलना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु क्रिएटेड फोर्ट्रॉन, द फर्स्ट हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको कौन, किसने क्रिएट किया है या फिर पूछा जा रहा है। ड्रैन ब्रिकलिन, मार्क एडर्सन, लैरी एलिसन या जॉन बैकस। यस टेल मी व्हाट वुड बी द राइट आंसर प्लीज। फोर्ट्रॉन क्या है, एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और उसका प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है, आपको बताना है कि इसको क्रिएट किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन बैकस। ठीक है, जॉन बैकस इज द राइट आंसर और इन्होंने ही क्रिएट किया था फ्रॉन्टन, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ठीक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा का संयोजक का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि है। ठीक है, नोड, स्यूडोकोड, फ्लो चार्ट या सारणी, दैट इज एरे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि है, क्या होगा राइट आंसर। यस यस द राइट आंसर विल बी स्यूडोकोड। ठीक है, स्यूडोकोड इज द राइट आंसर और यही एक विधि है जिसके थ्रू जो प्राकृतिक भाषा है उसको और प्रोग्रामिंग भाषा को उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्यूडो कोड, याद रखिएगा इसको। ठीक है, याद इसलिए रखिएगा कि दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड, ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो ये प्रश्न आपको याद रहेंगे और आपके लिए वहां पे बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, आप कोशिश कीजिए कि उसको दोबारा भी रिवाइज करें, इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप अगली बार भी देख सकते हैं और मैं तो कहूंगा कि इसको कल ही एक दिन बाद इसको आप देख लो। ठीक है, जब एक दिन बाद देखोगे तो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, एग्जाम आपका नजदीक है तो चीजें आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, प्लीज मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा इन चारों में से एक व्याख्यात्मक उच्च स्तरीय और सम्मान उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पाइथन, स्पाइडर, पेंगुइन या कुकी। यस बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन, स्पाइडर, पेंगुइन या कुकी। यस राइट आंसर इज पाइथन। पाइथन इज द राइट आंसर। ठीक है, पाइथन याद रहेगा आपको, पाइथन जो है उसका सही उत्तर है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखना है आपको। लैंग्वेज याद रखिएगा कि एक लैंग्वेज है तो आपको फिर चीजें याद रहेंगी। कीवर्ड को पकड़ के हमें चीजों को याद करना है। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा चीजों को रटना चाहोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन में भी कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आपको पकड़ना है और आपको ऐसे चीजें याद हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एंड मैनेजेस ऑल द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन दैट अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस इज एबल टू रन। इन चारों में से कौन है एक है जो सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन शामिल हैं और उसके प्रबंधन करता है जो एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस चलाने में सक्षम है। बताइए, डेटा साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यस, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैनेज ऑल द प्रोग्राम कौन सा करता है, सारे प्रोग्राम को, प्रोग्राम एप्लीकेशन को कंप्यूटर पे क्या मैनेज करता है। ऑब्वियस बात है, ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कंप्यूटर पे सारे प्रोग्राम और एप्लीकेशन को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर तो अमूमन आपको ऐसे ही निकल के मिल जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू रॉ अबव अ गिवन रॉ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से सवाल है, ये पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है. आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति अगर आपको जोड़ना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल होता है. ठीक है, यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस आई प्लस आर. ठीक है, ऑल्ट प्लस आई प्लस आर एक शॉर्ट की है जिसके द्वारा दी गई जो पंक्ति है उसके ऊपर एक नई पंक्ति अगर आपको जोड़ना है तो ये बटन दबाइए, वो अपने आप ऐड हो जाएगा. अगले प्रश्न को लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है. ब्लू रे डिस्क, प्रोम, सीडी रोम या डीवीडी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क आप लोग जानते हैं. ठीक है, और उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक ऑप्टिकल डिस्क नहीं है. नॉट, बताइए, डीवीडी, सीडी रोम, प्रोम या ब्लू रे डिस्क. बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब प्रोम. प्रोम आपने कहाँ सुना है ऑप्टिकल डिस्क के मामले में, ये सब जो है वो ऑप्टिकल डिस्क है, ये जो प्रोम है इट इज अ रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस इज कॉल्ड. बताइए क्या ये क्वेश्चन है कि एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल केबल लाइनों पर डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहा जाता है. बताइए, एक ऐसा प्रोग्राम या उपकरण जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं. मदरबोर्ड, मॉडम, मॉनिटर या माउस. यस, क्या होगा राइट आंसर. ए डिवाइस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर. ठीक है, ये जो डिवाइस है या प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को इनेबल्स बनाता है किस चीज के लिए, टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस. ठीक है, केबल लाइंस के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू ये डेटा को ट्रांसफर करता है. उस डिवाइस का क्या नाम है. यस, उसको कहते हैं मॉडेम. ठीक है, मॉडेम यू नो, आप इंटरनेट में मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो मॉडेम इज द राइट आंसर. आसान क्वेश्चन ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. निबल इन अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड. कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है. बताइए, बिट, हाफ बाइट या बाइट. कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है. ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में निबल को क्या कहा जाता है. आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर. यस, क्या होगा राइट आंसर. इसका राइट आंसर होगा हाफ बाइट. ठीक है, हाफ बाइट को कंप्यूटर लैंग्वेज में निबल को हाफ बाइट कहते हैं. और निबल में आप थोड़ा देख लीजिए, वन निबल इज इक्वल टू फोर बिट. ये भी ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि वन निबल में कितने बिट होते हैं, तो याद रखिएगा वन निबल में फोर बिट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं. विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग. जब भी हम प्रिंट करते हैं किसी पेज को तो उसके पहले प्रीव्यू करते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट की है. आपको बताना है कि वो शॉर्टकट की कौन सा है. कंट्रोल प्लस F6, F10, F2 या F5. कंट्रोल प्लस F6, F10, F2 या F5. बताइए. यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर. What would be the right answer? The right answer would be control plus F2. ठीक है, control plus F2 is the right answer. अच्छा, control plus F6 क्या है? ये भी एक शॉर्ट की है, इसके बारे में जान लेते हैं. ये basically next जो open document है उस पर जाने में आपकी मदद करता है. ठीक है, next जो open document है उसमें जाने में मदद करता है F6. F10 क्या है? ये किसी डॉक्यूमेंट को विंडो में मैक्सिमाइज करता है. ठीक है, मैक्सिमाइज करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को विंडो में मैक्सिमाइज करता है.
F5 क्या है? दैट फोर्स रीलोड अ वेब पेज, ठीक है, एक वेब पेज को जबरदस्ती फिर से ये रीलोड करता है, वो है F5, ठीक है, याद रहेगा। शॉर्टकट की आपको याद रखना है, ये कहीं भी बहुत सारे हमारे बुक में भी बहुत सारे जगह दिया हुआ है, बहुत सारे MCQs में आपको यहाँ पे वीडियो कोर्स में करा दूंगा, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। एक बार देखोगे तो हो सके आपको याद ना हो, इसलिए वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन हमने दिया है, लगातार हमने शॉर्टकट के की के क्वेश्चन नहीं लाए हैं कि आपकी आपकी कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट ना हो जाए, इसलिए थोड़े डिस्टेंस पर रखा गया है, सो दैट यू कैन इंटरनलाइज ऑल द शॉर्टकट कीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी मैन्युफैक्चर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004? किस कंपनी ने पहली माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा वो पहला कंपनी है जिसने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जिसका नाम था 4004। बताइए क्या होगा राइट आंसर। विच कंपनी मैन्युफैक्चर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? यस, इन ओशियन प्राइवेट कंपनी, एनवीडिया कॉरपोरेशन, PLX डिवाइसेस या इंटेल कॉरपोरेशन? एनवीडिया जानते होंगे, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के लिए बहुत मशहूर है, बहुत कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड्स आते हैं। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर 404 को किस कंपनी में मैन्युफैक्चर किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेल कॉरपोरेशन, ठीक है। इंटेल कॉरपोरेशन इज अ वेरी बिग कंपनी और इन्होंने ही पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था 4004, ठीक है, ये भी याद रखना है 4004, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये आज का अंतिम सवाल है कंप्यूटर का, पाइथन इज अ, ठीक है, पाइथन बताना है क्या है, व्हाट इज अ पाइथन? अ हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? व्हाट इज अ पाइथन? बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या है पाइथन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज का जो 50 कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो आज समाप्त हुआ। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए हैं जिसमें हम अभी आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि ये सब क्या आपको याद हो रहे हैं? अगर आप इनको याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डू मल्टीपल रिविजन। जब आप मल्टीपल रिविजन करेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। और देखिए आपका मेन पर्पस अगले 6-8 महीने क्या है कि बहुत पढ़ना है। जब आप बहुत नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ने का फायदा ही नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि जब आप पढ़ने के लिए अपने आप को आपने डिसाइड किया है कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे अपने टाइम को, जैसे मान लो कि आप घर पे रह रह के पढ़ रहे हो या घर से बाहर रह के आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हो, तो आपका पर्पस यही है ना कि नेक्स्ट 6-8 मंथ में मुझे जॉब लेना है। जब आपने डिसाइड खुद किया हुआ है कि मुझे मतलब 6-8 महीने में एक नौकरी लेनी है, तो आप क्यों ना अपना बेस्ट दे रहे हो। एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। आप समझ लो इसका अर्थ क्या है कि जब आपने नाव को जल में ही छोड़ दिया है, मझधार में ही मोड़ दिया है, जब मोड़ दिया है तो मोड़ दिया है, फिर जब चुनौती आपने सिंध को दे दिया है, आपने इतनी बड़ी नदी, इतनी बड़ी, मतलब इसका जो तात्पर्य है कि आपने जो चुनौती दे दिया है SSC को, आपने 1 डे एग्जाम को चुनौती दे दिया है, आपने अपने रिलेटिव को चुनौती दे दिया है कि मैं जॉब लेके लौटूंगा, आपने मतलब आपने अपने ऊपर एक चुनौती लिया है। जब आपने ये चुनौती अपने ऊपर लिया है तो फिर धार क्या मलधार क्या, फिर डरना किस चीज़ से है, क्यों डरना है? जब आपने डिसाइड किया है कि अगले 8 महीना मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ाई करना है। सारा ये नेटफ्लिक्स प्राइम सब बंद करके, दोस्त साथी सबको साइड करके, अपने इंटरेस्ट को, अपने जो कहते हैं ना, अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज को, सबको साइड करके अगले 8 महीना पढ़ाई करना है। पिनाकल की सारी टीम आपके साथ है, पिनाकल के बुक्स आपके साथ हैं, पिनाकल की ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो आपके साथ है, हर एक फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, और बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं, कोई आपको बहुत इसमें कुछ करना नहीं है। आपको मेन देखिए अगले जो 37 वैकेंसीज है उसमें जो आपको चीज़ लगाना है वो यही है कि आपका हार्ड कोर मेहनत उसमें लगेगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डू मल्टीपल रिविजन, बी बोल्ड, बी
वेरी एनर्जेटिक, बहुत मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, फुल एनर्जी से पढ़ाई कीजिए। डू नॉट कम्पीट, डोमिनेट। आपके जो आसपास कंप्यूटर हैं उनसे कम्पीट मत कीजिए, आप डोमिनेट कीजिए। अगर कोई दो बार चीज़ों को रिवाइज कर रहा है तो आप चार बार कीजिए। ऐसे करके आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको पता भी नहीं चलेगा और आप टॉप 100, टॉप 200 में आपका SSC में नाम होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी हम लोग 50 क्वेश्चन आप मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।